धरातल उत्कृष्ट स्कूलों का दौरा कर रहा हूँ आज, और भटवाड़ी बहुत ही सीमांत क्षेत्र और विकासखंड भटवाड़ी के बिल्कुल अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज का दौरा कर रहा हूँ आज। और जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, हालांकि सरकार की यदि मैं बात करूँ, पहले मॉडल स्कूल खोले गए थे जो कि कांग्रेस के द्वारा खोले गए थे, और वर्तमान की यदि बात करूँ तो अटल उत्कृष्ट जब से बीजेपी सरकार आई है उसके द्वारा ये बनाया गया है। कहीं ना कहीं जब मैं दौरा कर रहा हूँ तो बिल्डिंग की यदि मैं बात करूँ तो बाईं तरफ मुझे बिल्डिंग जो नज़र आ रही हैं ये कुछ डिब्बे नुमा से मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि फिर भी बताया जा रहा है मेरे बाईं तरफ जो यहाँ पर 6, 7 और 8 तक क्लासें चलती हैं, और सामने वाली बिल्डिंग में 11 to 12। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, सरकार का कहना है कि इंग्लिश मीडियम किए गए हैं 9th और 11th क्लास को। और धरातल में देखने को ये मिल रहा है कि जो बच्चे 9th और 11th में इंग्लिश मीडियम के होंगे, जब वो 6th और 7th 8th में इंग्लिश मीडियम के नहीं रहे हैं तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे, क्या वो इंग्लिश मीडियम लेंगे, और जो टीचर यहाँ पर हैं क्या वो आउटपुट रिजल्ट दे पाएंगे। ये सब चीज़ों को लेकर के मैं आज स्कूल का सर्वे कर रहा हूँ, ज़रा जाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ हमारे अध्यापक गण हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका। यदि मैं टीचिंग फील्ड की बात करूँ, मीडियम की बात तो अलग है, माध्यम की बात यदि न करूँ और क्षेत्र की यदि बात करूँ तो काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, बहुत ओरिएंटेड हैं वो, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी राय रखनी, जरा पूछ के देखता हूँ। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम जगमोहन कैंतुरा। कैंतुरा साहब आप क्या सब्जेक्ट में यहाँ पर? प्रवक्ता इतिहास। यस सर। तो मेरा सर सुझाव ये है अठारह उत्कृष्ट के संदर्भ में कि सर यदि यस सर अठारह उत्कृष्ट विद्यालय के लिए सर इन विद्यालयों के लिए जो बुनियादी जो स्तर पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, जिस तरह के भी केंद्रीय विद्यालयों में जो पैटर्न है उसी आधार पे उत्कृष्ट विद्यालय में भी इंग्लिश मीडियम बुनियाद से कक्षा LKG से PRT TGT और PGT जो सभी जो ये है कक्षाएं एक ही छत के नीचे संचालित होनी चाहिए। सर अभी जो फिलहाल किया है सरकार ने वो 9th और 11th में किया है। हाँ जी हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है ये सब कामयाब हो पाएंगे किस टाइप के? तो सर बुनियाद जब तक बुनियाद सही नहीं हुई सर तब तक आगे जो है हमारी जो भवन है सर या इमारत वो सही नहीं बन सकती सर। अभी आप क्या लेके चल रहे हैं? आप भी क्या आपके लिए भी आदेश हुआ क्या इंग्लिश मीडियम के लिए? हाँ सर। तो आप उसमें लगे क्या तैयारी? हाँ, क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा क्या वास्ते? सर हम कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, कोई ऐसे ट्रेनिंग चला हो, कोई स्पेशल ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं सर। तो बच्चे जो आपके पास हैं साहब वो क्या हैं इस टाइप के इंग्लिश मीडियम वाले जो झेल जाएं ये वो हिंदी मीडियम से अब इंग्लिश मीडियम हुए? तो सर ज़्यादातर जो बच्चे सर यहाँ पे 80% बच्चे हैं वो ग्रामीण प्रवेश से आ रहे हैं और हिंदी माध्यम से आ रहे हैं, और उनको भी यहाँ दिक्कत आ रही है सर। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक तो जो संस्कृत जो इन बहुत सारे जो लड़कियों की एक समस्या सर कि उन्होंने जो गृह विज्ञान और संस्कृत पढ़ी थी कक्षा 10 तक, अब वो कह रहे कि हमें इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। यानी कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि 6 से ही चेंज होना चाहिए, कक्षा 1 से बदलाव आए, कक्षा 1 से होना चाहिए सर। और देखिए कहीं ना कहीं तो साहब का कहना है और शायद अच्छा सुझाव कहा जा सकता है, क्योंकि तभी बदलाव आएगा, डायरेक्ट 9th और 11th में कर दिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, उम्मीद करेंगे सरकार इस पर अमल लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ता हूँ अपनी सर्वे पर। और एक सर मुझे मिलते हैं। सर आपका क्या नाम है साहब? मैं अखिलेश पश्चिमी है। पश्चिम साहब आप क्या सब्जेक्ट? मैं LT गणित में हूँ। वेरी गुड। कब से है सर आप यहाँ? मेरे को यहाँ पे 16-17 साल हो गए हैं, और हम देख रहे हैं कि अभी जैसे हमारे पास 6th में इंग्लिश मीडियम से मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि उनको उसके वर्ड नहीं आ पा रहे हैं इंग्लिश में, जैसे बिल्कुल डिफरेंट जो भी हम पढ़ाते हैं मैथ्स में, तो उनको मैं दोनों भाषाओं में लिखाना पड़ रहा है वो। हालांकि सर मैथ में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं नहीं हमको पढ़ाने में मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन यस बट बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं स्पेशली वर्ड वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। सर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अडॉप्टिंग दीस थिंग्स? एप्रोक्सीमेटली 2-3 years। Right. So what is your ideas? What would you like to suggest for that? How we can change? Sir, I suggested him कि वो मतलब बच्चे जब थोड़ा नीचे से हम उनको तैयार करेंगे, जैसे 6th से हैं तो लग रहा है कि वो 9th तक थोड़ा बहुत हम उनको कुछ उन वर्ल्डों से जो मैथमेटिकल वर्ल्ड हैं वो कहीं 9th तक जो है उन वर्ल्डों को समझ पाएंगे। जब वो 9th में आएंगे 6th वाले तो वो फिर भी कवर कर लेंगे, लेकिन जो 9th में हमारे पास बच्चे हैं सर मैथ्स में, उन्होंने 6th, 7th, 8th में वो टर्म्स नहीं, मैथ्स के उनको टर्म्स नहीं है पता, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो थ्रू आउट 6th से ही मीडियम होगा? यस सर। हाँ 6th वालों पे फिर भी हम ये करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 3 साल तक उनको पढ़ाते हैं तो 9th से वो काफी मैथमेटिक्स में तो कम से कम वो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं पश्चिम जी हैं और LT में आप बहुत बहुत कहीं आपकी सलाह और आपका तो यूथ है अभी,
इस तरीके से सरकार को चाहिए कि यूथ जो टीचर्स हैं उनको भेजा जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, कहीं ना कहीं मैथ तो होल्ड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक और सर मिलते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बलबीर शाह। सर आप क्या सब्जेक्ट लिए? राजनीति विज्ञान पढ़ा। अच्छा, आपके भी सब वही सर यही हो रहा सबके? क्या करना चाहिए सरकार को? कुछ ट्रेनिंग चले या कुछ बदलाव हो? क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा क्या? बीच बीच में सभी टीचरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए सर, कि आप इंग्लिश मीडियम में इस ढंग से पढ़ा सकते कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो अभी आप फिर किस टाइप से चला रहे फिलहाल? फिलहाल जितना हम जानते हैं सर, हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं बच्चों। राइट, बच्चे किस कैटेगरी के? बच्चे तो बहुत ही नॉर्मल है सर। राइट, और अंग्रेजी बहुत वीक है बच्चों की। राइट, तो हम हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी कहीं ना कहीं यदि इंग्लिश दोनों तरफ इंग्लिश कुछ दिन चलाया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बदलाव आए? जी कोशिश करनी पड़ेगी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कहीं ना कहीं टीचर्स लोगों को भी दिक्कत और साथ में बच्चों के बारे में मैं देखता हूँ, बच्चों से पूछ के बच्चे क्या कहते हैं। हालांकि बच्चे तो यूथ होते हैं जी। और कितने साल की सर्विस होगी सर आपको? सर मेरे तो 26 साल की। देखिए 26 साल की सर्विस देने के बाद बहुत प्रयास कर रहे अपने आप को बदलने का। बहुत बहुत आपके प्रयास की सराहना करूंगा। 26 साल सर्विस के बाद चेंज आया। कहीं ना कहीं सरकार बार बार जी, कांग्रेस आती है तो मॉडर्न लाती है, बीजेपी आती है तो अटल उत्कृष्ट बनाती है। आखिर सरकार ही पूरी तरीके से अस्तित्व वाली काम नहीं करती है, पूरी एकदम कंक्रीट पे काम नहीं कर पा रही, जिससे कि सब प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और कहीं ना कहीं सरकार सर लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा, और देखते हैं क्या सार्थक हो पाएगी तो शायद समय ही बताएगा।